हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे जाना है सैलून पे। आज मेरा है मेकअप, कल रात को मुझे पता था पर सुबह सुबह भूल गई कि मेकअप था। एक कॉल आया तब पता चला कि मेकअप है, तो अभी जा रही हूँ मैं सैलून पर और फिर आके फिर नहाना और ब्रेकफास्ट वगैरह सब करूँगी क्योंकि सुबह सुबह न दूध पी सकती हूँ कुछ भी नहीं। तो एक बार चलते हैं शॉप पे। हमारा जो मेकअप है साइडर का वो हो गया है कंप्लीट और अब चलेंगे घर पे। इनको भी अब यहाँ से कर देते हैं फ्री। इतना दलता दलता कौन आ गया तू? आयशु क्या हुआ, तू कैसे आ गया? आपके साथ कैसे आ गई है ये? मैंने बोला पिक्की जा। अच्छा हिमालय खुश आशा को कैसे कैसे पिपी पे आए? नहीं हां पिपी पे आए। कल मजा आई थी नहीं पिपी में? कल के व्लॉग में मैं, हिमायरा, हम सब जने गए थे मेरे भाई की शॉपिंग, मेरे भाई की शादी की शॉपिंग के लिए। तो अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा है जाके जल्दी से देखो, उसमें हमारी हिमायरा बहुत अच्छा अच्छा बोलती रहती है। ओ बेटा ये वाला पैर पहले रखते हैं, इतनी स्पीड में करके देना ये पकड़ो। हाँ दीदी, अच्छा ये के जूते हैं इसलिए दीदी। क्या है दीदी? मैंने जो आपको बॉडी वॉश बताया वो बॉडी वॉश मैंने मेरे लिए ही आज परचेस किया है क्योंकि मेरा जो बॉडी वॉश था वो ख़त्म हो गया है। तो ये ब्रांड हमारी शॉप पे नहीं आई थी तो इसका ट्राई करती हूँ, वाइप आउट का, जो कि लेवेंडर और टी ट्री के फ्लेवर्स में है। बाबा कर दो शैशा को, फ्रैंकिश कर दो, ऐसे 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 कर दो, शशा को इनको दो, रुको एक बार और, एक बार और, एक बार और करो, वाह, एक बार और फ्लाइंग किश कर दो, ऐसे कच दो, बाय बाय शशा। काय बॉडी वॉश है आंटी? तभी तभी ओके दे दो, मेरे को दे दो, दे दो मेरे को, नहीं करनी है ना, दे 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 तमी अपने नहीं कर दी नो, खा थोड़ी सकते इसको ये। तो अब करती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट एंड फिर बाकी का काम क्योंकि भूख लग गई है। अब सुबह उठ के सीधी शॉप पे गई थी, 7:30 हुई थी उस टाइम पे, अभी बज रही है 10। हाँ बच्चा, हाँ शूश लो निकाल देती हूँ मैं, इधर आ जाओ इधर। ए दादी क्या बोल रही है? अभी क्या कोको की है? कोको की ये दिखाई दी हाँ दिख गई, आंखों से दिख गई। वो वो कोको बाद में जजे हो जाए फिर ऑल कर लो, ऑल कर लो, एक और हां, अगर तो तू 10 कर दोस्त कर दे। ओके ओके, अभी हिमायरा और हिया दोनों जने, हिमायरा और हिनाया दोनों जने मिलके चॉकलेट खा रहे हैं और मैं कुछ खाती हूँ, मेरे को भूख लग गई है। मैं और हिया दोनों ने साथ में ही नहा लिया है और नहाने के बाद हम दोनों ने हमारे बाल भी थोड़े थोड़े सुखा दिए और अभी मैं हिया के बना रही हूँ बाल। तो अभी हिया के बनाएंगे बाल और बाल लगभग सूख गए हिया के, तो अब हिया की बन रही है चोटी। तो बाल बन चुके हैं, अब हम बनाएंगे लंच क्योंकि लंच में आज हम हो गए हैं लेट क्योंकि हमारा नहाना भी हुआ लेट, तभी हो गई है 11:30। तो अब लंच बनाएंगे, लंच में क्या क्या बनाए, जूस बना दे। बाल तो बना दो मेरे, मैं बाल तो अभी गीले हैं ऐसे ही बांध दूंगी अभी तो। लंच बन चुका है और लंच में आज जूस, बपड़ी और चने की दाल बनाई है। बपड़ी
हाँ बपड़ी, अब तुमको गर्मी में यही भारी है तो यही बना देती हूँ ना। तो ये चने की दाल थोड़ी मम्मी जैसी बनाने की ट्राई की, आई होप बनी हो। नहीं बननी होगी। हाँ टॉस बात तो नहीं आता है बट किसने कहा टॉस? टॉस तुमने ना बोला फिर भी बात। अरे भूख लग रही थी, कुछ था भी नहीं खाने के लिए फ्रूट से। वाह सर्विस हो रही है। जूस मैं भर के गई थी, चिकन दाल और बकड़ी भर दी है। तो अब कर लेते हैं लंच और फिर जाएंगे शॉप पे। आज सुबह गई थी इसलिए लेट हो गई, लगभग डेढ़ बज चुकी है, तो यानी 1:20 हुई है, जाते जाते डेढ़ हो जाएगी। लंच हो गया है पर मैंने थोड़ा जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि अब इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो ये सारे समेट देती हूँ क्योंकि ये और इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि आज के कपड़े और धुल गए हैं। तो 4-1 दिन के कपड़े हैं, 5वें दिन के हो जाएंगे नहीं तो। तो अभी ये सारे रूम में बैठे बैठे समेटती हूँ क्योंकि खड़े खड़े तो मेरे को नहीं समेटे जाएंगे कपड़े। समेटने चिकू ने करवा दिया है कैंसिल क्योंकि शॉप पे ज़्यादा जाना ज़रूरी है और क्लाइंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग लेट तो हो ही गई हूँ। 2 बज गई हैं, फिक्स 2 बजे निकली हूँ घर से। ओ चिकू रुको, मेरे सॉक्स लेने पड़ेंगे, शूज़ पहने ना मेरे, गर्मी में ठंड में पैर नहीं फटते हैं, गर्मी में फटते हैं। तो ये अब हल्के हल्के फटना चालू करें, मिशेल की फुट क्रीम लगा के सही कर देंगे। मिशेल काम आ जाएगी। हाँ मिशेल काम आ जाएगी। हाँ बहुत काम करती है, ओबामा की लड़ी। तो अभी ये जो हमारी एंटर्क चिकू, तो यानी हार्डली 5 मिनट यहाँ पर ये पार्क करके गए थे तो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है। अब इसकी सीट को करना पड़ रहा है ठंडा। धुआं नहीं निकल रहा चिकू यार, इतनी फाका लगे, इतने मानते क्यों? अब इसके ऊपर कपड़ा भी घुमाना पड़ेगा, मैंने वाइट कपड़े पहने खराब हो जाएंगे। अरे मैंने फोन लिया चिकू, तुम्हारे टी शर्ट में एक खाना भी नहीं पड़ा था तो भी तुमने पहन लिया होली पे, तुमने जबरदस्ती पहनाया था। बातों बातों में गेट ही लॉक करना भूल गए थे, अभी गेट लॉक किया, फिर भाई जी आके बर्तन धो देंगे। सैलून पे बैक टू बैक क्लाइंट्स थे तो क्लाइंट्स को अटेंड किया और फिर ये सारा अभी वापस से एक दो हेयर कट और थे पीछे ही पीछे तो क्लीन किया था। तो वो तो क्या जब भी हेयर कट होता है इसके बाद क्लीन करना ही होता है, तो इसीलिए मैंने लगे हाथ ये ऐसे ऐसे ही रहने दिया। अभी तो अभी कुछ और काम आ जाएगा यूँ करके, पर थोड़ा बहुत जो भी स्टफ़ है वो संभाल देती हूँ। और अभी मैंने लिपस्टिक लगाई है शुगर की, जो कि मुझे ये शेड अच्छा लगा। मैं इस टाइप के कलर लगाती नहीं हूँ मोस्टली क्योंकि मैं एकदम लाइट डार्क शेड लगाना पसंद करती हूँ, जैसे कि न्यू टाइप के, और ये थोड़ा सा ही चटक कलर है। चटक कलर में बहुत कम लगाती हूँ जो कि अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसी कलर का थोड़ा कुर्ता पहना है इसलिए अच्छा लग रहा है। फिर चलते हैं घर पे क्योंकि 6 बज गई हैं, 6:11 हो गई है, घर जाके भी फिर खाना वाना कुछ बनाए। और आज है रामनवमी, तो आप सबको रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएँ। मैं हूँ अभी शॉप करो पर, और शॉप करो पर मैं आपको समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस दिखाती हूँ क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसी खुशबू लगाएं, कैसा परफ्यूम परचेज़ करें, क्योंकि समर में अगर बहुत ज़्यादा मीठी खुशबू होगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी, और बहुत ज़्यादा मस्की या फिर उद टाइप की होगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आज मैं आपको अजमल के सारे यानी समर्स के हिसाब से आपको जो यूज़ करने के परफ्यूम्स है वो दिखाने वाली हूँ, जो कि समर्स में चिकू लगाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे पर्सनली भी लगाना बहुत पसंद है। इसमें कुछ परफ्यूम्स हैं जो मुझे पर्सनली लगाना पसंद है, कौन से मैं लगाती हूँ वो भी दिखाऊंगी, और कौन से समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है वो भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ समर्स के अकॉर्डिंग सारे ही बेस्ट परफ्यूम्स, और इन सब के आपको नाम बताने वाली हूँ ताकि इससे आपको परचेजिंग करने में काफ़ी हेल्प हो जाए। और एक एक करके आती हूँ, सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है उसके ऊपर आती हूँ। इसका कलर आप देख सकते हो, ये ब्लू नाम है इसका, अजमल का परफ्यूम है, और जितनी भी मैं बताऊंगी समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंसेस है। फर्स्ट आ जाता है ब्लू, सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ शीरो, मैं अभी 3 परफ्यूम दिखाने वाली हूँ, उनकी पैकेजिंग एकदम सेम है। सेकंड आ जाता है ये शीरो, और थर्ड आ जाता है कुरो।
इनकी बॉटल आप देख सकते हो, इनकी बॉटल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है, यानी स्लिम एकदम, और आगे से देखोगे एकदम ब्रॉड है, और तीनों का कलर है ब्लैक, वाइट और ब्लू। ये आप तीनों परफ्यूम बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हो, क्योंकि तीनों की फ्रेग्रेंसेस इतनी अच्छी है, और इनका जो लास्टिंग है वो भी बहुत अच्छा है, और इनकी लास्ट में जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं फोर्थ परफ्यूम पे। फोर्थ परफ्यूम आता है सिल्वर शेड। ये बॉयज़ का ऑलमोस्ट फेवरेट ही होता है, यानी बॉयज़ को बहुत अच्छा लगता है, और इसकी फ्रेग्रेंसेस वाकई बहुत अच्छी है। तो आप इसकी बॉटल भी देख सकते हो, और ये भी समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। फिर आ जाता है, मैंने आपको अभी जो बताए हैं थ्री परफ्यूम्स और एक सिल्वर शेड, वो सारे ही थोड़ी हाई रेंज के हैं। ये थोड़ी मीडियम रेंज के मैं बता रही हूँ आपको। यरीन, जिसकी आप बॉटल देख सकते हो ब्लू कलर की, और इसकी भी फ्रेग्रेंस समर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसकी पैकेजिंग, एक ये पैकेजिंग है और एक इससे छोटी पैकेजिंग आती है जो ओपन नहीं है, बट एक पैकेजिंग ये आती है और एक इससे छोटी आती है, ये भी समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। फिर सिक्स परफ्यूम आ जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम ऑल टाइम लोगों का फेवरेट रहता है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप समर्स में भी लगा सकते हो, विंटर में भी लगा सकते हो, हर मौसम में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको सारे परफ्यूम जो भी दिखा रही हूँ वो सारे लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप जल्दी से जल्दी ट्राई करें। और फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रॉन। इसकी भी आप बॉटल देख सकते हो, ये सारे ही मिलते जुलते परफ्यूम्स हैं, थोड़े थोड़े इनकी हल्की बहुत यानी मिलती जुलती फ्रेग्रेंसेस हैं, बट न्यूट्रॉन भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है समर्स के अकॉर्डिंग, और इसकी खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, और मैंने जैसे कि आपको बताया इनकी लास्ट फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्वेटिंग के साथ बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस करता है ये। और फिर लास्ट परफ्यूम है ये, और लास्ट परफ्यूम आता है ये बिस्टन, जिसकी आप पैकेजिंग देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, तो आप समर्स में ये भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे परफ्यूम्स दिखा दिए जो कि समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है। मैंने सिर्फ आपको अजमल में दिखाया है, मरियाज में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको जानने हैं मरियाज में कौन कौन से समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट परफ्यूम्स है, तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट स्किन केयर एंड मैनी मोर्स, यानी स्किन केयर के रूटीन्स में आप और क्या क्या अच्छा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी मेरी शॉप पे इतने सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, और आपको उसके बेनिफिट भी बताऊंगी। बहुत सारी वीडियो में तो मैंने बता भी रखा है, पर समर्स के अकॉर्डिंग स्किन केयर कुछ चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए बताऊंगी। लेट्स गो। घर पे आने के बाद जो भी ये सुबह कपड़े छोड़ के गई थी वो सारे आके समेटे हैं अभी, और इन सबको रख देती हूँ जगह पर, और फिर डिनर की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हो गई है 7:30। अभी खाना भी अब जल्दी से जल्दी बना देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। डिनर बना दिया है, और डिनर बनाने के बाद हिमायरा आ गई है, और हिमायरा को भी पुलाव बहुत पसंद है। ये क्या है हिमी? क्या है ये? बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। और ये क्या होता है बेटा? ये हमारे पुलाव अब फाइनली अभी बन गए, पर थोड़ी देर इसको रख देते हैं ढक के। रिमा ही नहीं है, मम्मी के डायलॉग में ये रिमा, थोड़ी देर रिमा ने देने पड़ते हैं, या पता नहीं इसको प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं, पर वागड़ी में तो रिमा ना रिमा अब्बा दे यूँ कहते हैं। तो बस अभी इसको 5 मिनट रिमा अब्बा देंगे और फिर खाएंगे। बोल 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 लंच हो गया है, और बस यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आज के वीडियो में जो मैंने आपको परफ्यूम्स दिखाए हैं, अगर वो आपको परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके ऊपर कॉल कर या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी आपकी इंक्वायरी है वो पूरी कर सकते हो। तो ओके।